हेलो स्टूडेंट स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे 2023 का डेफिनेट इंडेक्टर्स का क्वेश्चन। बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेस्ड ऑन बेसिक रिजल्ट्स। देखो बेटा जो क्वेश्चन है इसमें हम सबसे पहले बेटा जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले न्यूमिनेटर से 48 कॉमन करो एंड डिनोमिनेटर से बेटा 4 कॉमन करो। बेटा अंडर रूट ऑफ 4 2 हो जाएगा। बेटा आपके पास बाहर आ जाएगा 2 इंटेग्रल ऑफ 3 रूट 2 बाय 4। ऊपर वाली टर्म आ जाएगी 3 रूट 3 बाय 4। न्यूमिनेटर टर्म 1 अपॉन होल रूट बेटा इसे आप लिख पाओगे 9 बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। क्लियर है बेटा? बेटा इसे 9 बाय 4 को दिस नंबर इज 24 3 रूट 2 बाय 4। ऊपर वाली टर्म आ जाएगी 3 रूट 3 बाय 4 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ बेटा 9 बाय 4 लिखोगे आप 3 बाय 2 होल स्क्वायर माइनस एक्स। बेटा बेसिक फॉर्मूला आपको पता होगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स के। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बेटा आपके पास आ जाएगी टर्म 24 बाहर जो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मींस साइन इनवर्स एक्स बाय ए। साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एक्स सेम नंबर आ जाएगा अपॉन ए 3 बाय 2। बेटा लिमिट आ जाएगी 3 रूट 2 बाय 4 ऊपर 3 रूट 3 बाय बेटा वैल्यू पुट करोगे आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे दिस नंबर इज साइन इनवर्स 2 अपॉन 3 इंटू 3 रूट 3 बाय 4 माइनस साइन इनवर्स 2 अपॉन 3 इंटू 3 रूट 2 बाय 4। क्लियर है बेटा? बेटा जो आपके पास 3 3 कैंसिल हो जाएगा 3 3 कैंसिल हो जाएगा 2 भी कैंसिल हो जाएगा इस तरफ 2 भी कैंसिल हो जाएगा जो रिमेनिंग टर्म बच जाएगी 24 साइन इनवर्स रूट 3 माइनस साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2। बेटा साइन इनवर्स रूट 3 बाय 2 रूट 3 बाय 2 साइन इनवर्स रूट 3 बाय 2 आपके पास आ जाएगी टर्म जो साइन इनवर्स रूट 3 बाय 2 है दिस नंबर इज पाई अपॉन 3 एंड साइन इनवर्स 1 बाय 2 मीन्स 45 मीन्स पाई अपॉन 4। एलसीएम अप्लाई करोगे आप एलसीएम इज 12 ऊपर नंबर आ जाएगा 4 पाई माइनस 3 पाई। बेटा कैंसल 2 बेटा 2 इंटू पाई फाइनल आंसर 2 पाई आ जाएगा। बेटा ऑप्शन डी फाइनल आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू।